सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के लिए। हम लोग पहले वहाँ जाएंगे, भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम वहाँ से घर के लिए निकल जाएंगे। डूड व्यू कितना मस्त आ रहा है, मस्त मस्त पहाड़ियाँ आ रही है भाई इधर का, मतलब आने वाले गाँव जैसी फीलिंग आ रही है। गाँव में भी ऐसा ही होता है ना, बट फीलिंग बहुत मस्त आ रही है। फटाफट त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। सो गाइस हम भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर जी के धाम आ चुके हैं, हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके हैं। और भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है, आपको क्या ही बताऊं, मतलब भीड़ देख के तो हमारा मन ही नहीं कर रहा, पर जाके देखते हैं अंदर से लाइन कितना बड़ा है लगा हुआ है। अभी हम जस्ट पहुंचे और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारी दुकानें हैं, बहुत सारा, मतलब धूप बहुत तेज़ है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्री गेट, जहाँ से एंट्री गेट है अंदर जाने के लिए, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर देखते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि दिख तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहा है। सो देखेंगे, अगर भीड़ नहीं रहेगी तो हम लाइन लगाएंगे, अगर भीड़ रहेगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टिकट लेके चले जाए। डूड भीड़ तो बहुत ज़्यादा लग रखी है, यहाँ से देखो गेट पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी एक अंकल जा रहे थे, वो बोल रहे थे कम से कम 4,500 लोग लगे हुए हैं लाइन में, और मतलब दर्शन करने में कम से कम 5 से 6 घंटे चले जाएंगे। सो डूड भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, काम करते चलते टिकट लेके देखते हैं जाने का। यहाँ पे देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक पुतला बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे शॉपिंग की ढेर सारे सामान हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पीछे साइड, देखते हैं कि टिकट लेके जाने का कितना पैसा लगेगा और कितने टाइम में दर्शन मिल जाएगा टिकट लेने के बाद। हम लोग उस साइड जा रहे हैं अभी। अरे भाई थकाई बहुत कसी लग गई है, धूप ऊपर से उससे भी डबल लग रही है। यहाँ पर देखो शिवलिंग, शंख, मणि ये सब रखा हुआ है, मस्त लग रहा है ना, एकदम मस्त लग रहा है। शंख है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे सबके नाम तो नहीं पता, बट देखने मस्त लग रहा है। अभी जाते हैं पीछे साइड, देखते हैं कि टिकट कितने का है। यहाँ पे भाई देखो ना, एकदम मस्त मस्त फूल लगा के रखा हुआ है, मस्त लग रहा है, मतलब फीलिंग अलग आ रही है यहाँ पे आने के बाद, मन एकदम शांत सा है, बट धूप लग रही है। श्री त्र्यंबकेश्वर देवनाथ ट्रस्ट, ये थोड़ा पीछे जाने का रास्ता है, यहाँ से टिकट मिलता है, चलते देखते हैं कि टिकट कितने का है, मिलेगा कि नहीं दर्शन आज हम लोग को। सो गाइज अभी शॉर्ट हो चुका है, अभी मतलब 200 रुपये का एक जन का टिकट था। बात पैसे की नहीं रूट, बात ये है ना कि टिकट लेने के बाद भी हमें कम से कम 3 घंटा लगेगा दर्शन करने में, क्योंकि रूट टिकट लेने के लिए भी ना हज़ारों लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। सो हमने डिसाइड किया कि पीछे एक जूने महादेव का मंदिर है, सो हम ये है जूनो महादेव का मंदिर, हम लोग यहाँ पर जाके ही दर्शन कर लेंगे, श्री त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरा प्लान के साथ आएंगे और दर्शन करेंगे, अभी हम जूने महादेव के मंदिर के ही दर्शन कर लेते हैं। सुरूड हमने भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन तो नहीं किए, बट हमने जूने महादेव के मंदिर के दर्शन कर लिए, और यहीं से हमने भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के भी दर्शन कर लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग पक्का भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करेंगे, ढेर सारा टाइम निकाल के आएंगे। बट डूड ये कौन सी नदी है मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है, मैं वीडियोज़ में देखा कि ये नदी मतलब ऊपर से चारों साइड बहती है, पूरा पानी मतलब सीढ़ियों तक भरा रहता है, बट इस टाइम पर क्यों सूखा है मुझे नहीं पता है कि क्यों सूखा है। अगर आपको नाम पता है तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइज ये महादेव का पीछे से व्यू है मंदिर का, एंड भाई बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही सुकून मिला यहाँ आके, हमने मंदिर में बैठ कर रेस्ट भी किया, और अभी चलते हैं घर के लिए, बहुत लेट हो गया है और हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं डूड। सो गाइस फाइनली अभी आधा घंटा पहले हम नासिक से आ गए हैं, और मैंने ये वीडियो तुरंत ही बनाना ज़रूरी समझा कि मैं ये वीडियो को एंड कर दूँगा। एंड डूड आई एम रियली सॉरी, मैं वहाँ का वीडियो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं बना पाया, मैं आपको अच्छे से वीडियो नहीं दे पाया, क्योंकि सच्ची बोल रहा हूँ डूड बहुत ज़्यादा थक गया था, हिम्मत ही नहीं थी भाई, रात भर सोया नहीं था, सुबह से कंटिन्यू चल रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आप अभी तक मेरी आँख देख सकते हो, देर लाल हो गया अंदर से, आँख मेरे फेस से भी आपको लगता रहेगा। मैं आया हूँ सिर्फ डूड, सच्ची बता रहा हूँ, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मैं आया, अब भी बज रहा है देखो 11:30 बज रहा है, अब भी हम लोग आए 10:30 बजे के आसपास आ गए। मैं कपड़ा चेंज किया, हाथ पैर धुला, बाल भी नहीं बनाया, देख रहे हो बाल सब वैसा ही पड़ा हुआ है, और सीधा आके रूम में बैठा और ब्लॉग एडिट करने वाला हूँ। मतलब एडिट नहीं यार, अभी आज से एडिट नहीं हो पाएगा, मैं अभी मतलब शूट करके रख दे रहा हूँ, फिर बाद में एडिट करूँगा, क्योंकि 5-6 ब्लॉग है, सब एडिट करके सीरीज़ वाइज डालना है डूड। एंड डूड अगेन सॉरी, अब मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाया।
एक्चुअली मैं डूड प्रॉब्लम ये हुई ना कि मुझे ना कोल्ड था और एक दिन पहले थोड़ा सा फीवर भी था, मैंने दवाई लिया हुआ था एंड मेरे को ना थोड़ा सा मतलब पेट का भी इशू था उस टाइम पे। और मैं मतलब बैठा जब भी बस में ना वोमिट जैसा होने का पूरा टाइम, मेरा मूड ख़राब था, सर दुख रहा था, उसके बाद मतलब रात में सो भी नहीं पाया, कोल्ड था और नासिक बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। सो मतलब सारा मतलब कोल्ड, सर दर्द, वॉमिट सब साथ में होने लगा, सिर्फ बदन का दुखने लगा था, नींद ही पूरी नहीं हुई थी। मैं तो सोचा था कुछ भी व्लॉग नहीं बनाऊंगा, बट मैंने फिर भी बनाया डूड, क्योंकि मैं सोचा था अभी यहाँ तक आया हूँ तो चांस मिस नहीं करूँ। बीमारी का क्या है, तो रोज़ लगी रहती है, हर दूसरे दिन बीमार होता है आदमी, बट ऐसी जगह जाके ब्लॉगिंग करने का मौका रोज़ नहीं मिलता है। इसके लिए डूड मैं सोचा कि ब्लॉगिंग तो कर ही लेता हूँ। मैंने कहीं कहीं वॉइस ओवर भी किया डूड, मेरे को बोलने को भी नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर मैंने वॉइस ओवर भी दे दिया है अपना। डूड सच बताऊँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था यार, मतलब बिल्कुल भी फील अच्छा नहीं था। मैं एक बार सिर्फ खाना खाया था डूड, होटल में भी दो रोटी खाया था, समझ सकते हो अभी। एंड डूड आई होप वीडियो आप लोग को अच्छे लग रही है डूड, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग यार। एंड एम ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। एंड बस इतना ही बोलूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी रहे तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल डूड। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।